फ्रेंड्स, वेलकम टू किचन रेसिपी बाय रेखा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही क्रीमी और चीजी व्हाइट सॉस पास्ता। उसके लिए आपको मेरा पूरा वीडियो देखना होगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल का लिंक अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्रीमी एंड चीजी व्हाइट पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई चढ़ाई है गैस पे, और यहाँ पर मैंने 2 कप पास्ता लिया है। अब कढ़ाई में मैंने 4 कप पानी डालना है। अगर 2 कप आपने पास्ता लिया है तो 4 कप आपको पानी डालना है। 4 कप पानी हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच सॉल्ट डालते हैं, नमक, और थोड़ा सा 1 चम्मच ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हैं, रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं। अब इसको उबालने के लिए छोड़ देते हैं। पानी में उबाल आ गया। उबाल आने से पास्ता कढ़ाई में लगता नहीं है। और इसको पास्ता डाल दिया, इसको अच्छे से चला देना है। 7-8 मिनट लगेंगे इसको पकने में। 1 कटोरी मैंने कॉर्न लिया है, ये फ्रोजन कॉर्न है, इसको भी इसी में मिक्स कर देते हैं जिससे अच्छे से पक जाएगा। इधर सब्जी बना लेते हैं। पास्ता के लिए एक कढ़ाई चढ़ाई, उसमें 1 चम्मच ऑयल डालना है। ब्रोकली ली है मैंने, 1 ब्रोकली के छोटे पीस कर लिए। रेड शिमला मिर्च ली है और हरी वाली शिमला मिर्च मैंने ली है। ऑयल मेरा गर्म हो गया, अब इसमें ब्रोकली डाल देते हैं। इस छोटे पीस कर लिए हैं, आप लोग अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। शिमला मिर्च दोनों तरीके की डाल दी हैं। अब इसको अच्छे से चला दीजिए, गैस को सिम कर दीजिए। इसी तरीके से सारे मिक्स कर लीजिए और पकने के लिए रख दीजिए आप। इसमें थोड़ा सा अब नमक डालेंगे, सब्जी के हिसाब से ही डालना है। थोड़ी सी काली मिर्च, काली मिर्च का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, आप लोग ताजी कूट के भी डाल सकते हैं। दीजिए और 2 मिनट के लिए फिर से इसको ढक के धीमी आंच पर रख देना है। देखिए पास्ता भी मेरा हो गया है, इसको चेक करते हैं। ये देखिए अभी 80% मेरा पक गया है और 20% सब्जी जो पास्ता बनाएंगे, कॉर्न भी हो गए हैं। अब इसको गैस को बंद कर देते हैं, इसको एक जाली में निकाल लेते हैं। ऊपर से थोड़ा ठंडा पानी, देखिए सब्जी भी लगभग पक गई है। अब इसको बंद करके तब तक मैं अपना व्हाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3 चम्मच बटर लिया है और 3 चम्मच ही मैदा लूँगी। आप लोग चाहिएगा आधा आधा आप लोग चम्मच, आधा आधा आप बटर और ऑयल भी ले सकते हैं। अब दोनों को अच्छे से भून लेना है जिससे मैदा पक जाए अच्छे से। देखिए मैदा, अगर बटर कम होता है तो नीचे लगती है मैदा, लेकिन नहीं लगी। अब इसको दूध डालना है जिसमें लम्स ना बने, इसलिए थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए और इसको लगातार कंटिन्यूस चलाते रहना है। ये देखिए गैस को बंद कर देना है। ये देखिए इसी तरीके से आपको, मैंने यहाँ पर 2.5 कप दूध डाला है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाइए, इस तरीके से मिक्स करते रहिए, लम्स नहीं बनेंगे। व्हाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक ऐसी बनाइए आप लोग। ये देखिए लगातार चलाते रहिए और गैस को ऑन कर दीजिए। हरी मिर्च ऑप्शनल है, आप लोग डालिए या स्किप कर दीजिए। इसी तरीके से ये देखिए गाढ़ा होने लग गया है व्हाइट सॉस पास्ता। व्हाइट सॉस बनके तैयार हो गया। देखिए इस तरीके से चम्मच में लगा के देखिए, परफेक्ट बिल्कुल बना है। अब थोड़ा सा इसमें ऑरेगानो डाल दीजिए और इसको चला दीजिए। इसके बाद इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दीजिए। बहुत ही अच्छा व्हाइट सॉस बना है। अब इसमें सब्जी डाल दीजिए,
और पास्ता जो बॉईल किया हुआ है उसको भी डाल दीजिए। बच्चों को टिफ़िन में भी आप दे सकते हैं, बड़ों को भी पसंद आता है, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। अच्छे से मिक्स कर दीजिए, ये देखिए बहुत ही टेस्टी। और लास्ट में चीज़ स्लाइस जो है मैंने यहाँ पर 3 स्लाइस डाली हैं, इसको डाल के और ऊपर से कवर कर दीजिए जिससे ये मेल्ट हो जाएगा। इसको 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए। देखिए अच्छे से मेल्ट हो गया है अंदर की चीज़, ये देखिए कहीं पे दिखाई नहीं पड़ रही है। आप अच्छे से चला दीजिए और गैस को बंद कर दीजिए। क्रीमी एंड चीज़ी पास्ता बनके तैयार है, बहुत ही यम्मी लग रहा है। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा मेरे मेथड से। इसके लिए आप लोगों को मेरा पूरा वीडियो देखना होगा।